केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत की है मैं उसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस दिन रात जाति जाति करती रहती है। कांग्रेस ने जाति पूछ पूछ कर देश को बांटने की साजिश की है और जब सदन में जाति की बात हुई तो वो हंगामा कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत किया है मैं उसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात जाति 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 करते रहते हैं। जब मीडिया वालों को मिलता है उनका भी जाति पूछते हैं, वो मिलिट्री के लोगों के पास जाके जाति पूछते हैं। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा करता है वो हर आदमी को जाति पूछते हैं। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं। देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं। इन लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक साजिश रची हुई है। देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी को किसने हक दिया है कि वो सबसे जाति के बारे में पूछें और उनसे कोई उनकी जाति के बारे में नहीं पूछ सकता। ये गंभीर मामला है। जो जाति पूछते रहते हैं हर सुबह शाम जाति जाति, और इन लोगों का जाति नहीं पूछ सकता। ये देश से बड़ा है, ये पार्लियामेंट से बड़ा है। देखिए ये कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, भारत का इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहते हैं, लॉलेसनेस, यहाँ देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। ये सड़क से लेकर के संसद तक हिंसा फैलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, और जाति के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं।